नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके IBPS एग्ज़ाम मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ में इसका एग्ज़ाम होने वाला है और PO का एग्ज़ाम तो इसी मंथ के लास्ट में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ कार्ड इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिक रो, सेकेंड ऑप्शन है डेक, थर्ड ऑप्शन है CRT, फोर्थ ऑप्शन है रीडर कोड, फिफ्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो है डेक। क्या है? डेक। अ कलेक्शन ऑफ कार्ड इज कॉल्ड और डेक। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द कंप्यूटर इज ऑफन मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ऑन इट्स मेमोरी। फर्स्ट ऑप्शन है बाइट्स, सेकेंड ऑप्शन स्टोरेज लोकेशन, थर्ड ऑप्शन KB, फोर्थ ऑप्शन मेगाबाइट और फिफ्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टोरेज लोकेशन। थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ। जो कंप्यूटर में स्टोरेज लोकेशन का जो नंबर होता है वो किसके मल्टीपल होता है? बाइनरी डिजिट के या बाइट के या K=1024 या मेगाबाइट या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1024, क्योंकि एक किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट और एक टेराबाइट में 1024 मेगाबाइट। इसी तरह से जो मल्टीपल में होता है वो होता है 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर इन डैश फॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट विल बी प्रिंटेड ओनली इन डैश सिस्टम। इसमें है कि जो कंप्यूटर में डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है और जो हम रिजल्ट को प्रिंट करते हैं वो किस फॉर्म में प्रिंट करते हैं? तो इसका सही आंसर है थर्ड, यानी बाइनरी में इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है कंप्यूटर और डेसिमल में हम इसे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज अ यूनिट विच प्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन कार्ड। इसके ऑप्शंस हैं लाइन प्रिंटर, कार्ड पंच, कार्ड स्टैकर, ऑल ऑफ दीज या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ड पंच, यानी कार्ड पंच इज द यूनिट विच प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप यूनिट इज अ। मैग्नेटिक टेप यूनिट क्या है? ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस है या सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है या रनिंग एक्सेस डिवाइस है या ऑल ऑफ दीज है या नन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोजनेस ऑफ कैरेक्टर्स रिकॉर्डेड ऑन द टेप इज कॉल्ड द। कैपेसिटी ऑफ द टेप, डेंसिटी ऑफ द टेप, कैपेसिटी ऑफ द टेप या बोथ वन एंड टू या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेंसिटी ऑफ द टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेस टाइम फॉर मैग्नेटिक डिस्क इज ग्रेटर देन 0.1 बट लेस देन 0.02 सेकेंड, लेस देन 0.01 सेकेंड, ग्रेटर देन 0.01 सेकेंड या ऑल ऑफ दीज या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेस देन 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली डाटा आर रिकॉर्डेड डैश अलॉन्ग अ सिंगल ट्रैक इन द मैग्नेटिक डिस्क यूनिट। ऑप्शंस हैं सिक्वेंशियली, सीरियली, पैरेलल, रैंडम या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्वेंशियली। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ रोटा टेबल सिलेंडर हुज सरफेस इज कोटेड विथ अ मैग्नेटिकली सेंसिटिव कंपाउंड। इसके ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क यूनिट, मैग्नेटिक स्ट्रिप, कैसेट रिकॉर्डर या नन? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैग्नेटिक ड्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज अ प्लास्टिक स्ट्रिप अबाउट 2 बाई 12 इंचज ऑन विच डेटा आर मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड। ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क यूनिट, कैसेट रिकॉर्डर और फिफ्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नेटिक स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैव फ्रॉम डैश टू डैश स्टोरेज लोकेशन। मतलब माइक्रो कंप्यूटर में कितने से कितने तक का स्टोरेज लोकेशन होता है, 1K to 8K, 8K to 16K, 4K to 165K, 4K to 3K या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4K to 3K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली मिनी कंप्यूटर हैव फ्रॉम डैश टू डैश स्टोरेज लोकेशन। माइक्रो कंप्यूटर में कितना था, 4K to 3K, और इसमें होता है 128K to 512K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली मीडियम साइज कंप्यूटर हैव फ्रॉम डैश टू डैश स्टोरेज लोकेशन। तो इसका जो आंसर है 32K to 512K। तो दोस्तों ये जो तीन था, मिनी, मैक्रो और नॉर्मल मीडियम साइज कंप्यूटर, इन तीनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम फाइल इज। ऑप्शंस है वन्या डॉट डैट, वन्या डॉट बी ए एस, बोथ 1 और 2, फोर्थ ऑप्शन है निबल, फिफ्थ ऑप्शन है नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वन्या डॉट बी ए एस। द डैश कोड स्पेसिफाइज फॉर द ऑपरेशंस एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। इसके ऑप्शंस है ऑपरेंड, ऑप, लेवल, लैग या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओपी, ओप। द ओप कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज द एड्रेस ऑफ द डेटा आइटम दैट इज टू बी ऑपरेटेड ऑन। ऑप्शंस है ऑपरेंड, ओप, लेबल, टैग या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑपरेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन आर रिटन बाय मैन्युफैक्चरर एंड स्टोर्ड इनसाइड द कंपाइलर। दिस स्टोर्ड प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऑप्शंस है असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरट्रेन, कोबोल, बेसिक, PL/1 एक्सेट्रा आर कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर, ऑपरेटिंग प्रोग्राम या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफटीपी इज यूज टू ट्रांसफर डैश बिटवीन टू कंप्यूटर। दो कंप्यूटर के बीच में एफटीपी के थ्रू किसको ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शंस हैं डेटाबेसेस, प्रोग्राम्स, फाइल, चैट या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फाइल्स। मतलब एफटीपी के थ्रू क्या हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं दो कंप्यूटर के बीच में। तो इसका ऑप्शन आंसर है सही, फाइल्स। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन। ये लगभग मैंने 30 क्वेश्चन कवर किया है, ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद मैं कंप्यूटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन इसमें अपलोड करता रहूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके IBPS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं और भी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।